Hello friend, there's a good news. Malaysia going to open its border from 1st of April. अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, जिसको मैंने अपनी गाड़ी के रेडियो से सुना है. तो एक्साइटमेंट है. बहुत सारे दोस्त हैं जो आना चाहते थे, पूछते थे हमेशा, फाइनली दे कैन कम. तो बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है. कल भी इतना ज़ोर की बारिश थी कि फ्लड हो रहा था. तो खैर, मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सुना, तो मैंने कहा चलो यहीं से वीडियो को शूट करते हैं और आपको बता देते हैं. फ़िलहाल एक्चुअली मैं कहीं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए. तो ये एक्चुअली मेरे घर के पास ही है. इस तरह का एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, जिसमें इसको बोलते हैं इकोनॉमिक राइस शॉप. बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी डिशेस बना के रख दी जाती हैं. यहाँ से चावल लो, जो चाहिए डालो, और वो आखिरी में वो कैशियर बैठा है, उसको वो देखेगा कितना बनता है. खाएं, टेक अवे करें, आपकी मर्ज़ी है, और बस इन्जॉय करें. तो इसमें टाइम भी बचता है, क्योंकि जल्दी हो जाए, सब कुछ बना बनाया होता है. खैर, अब चलते हैं. एक्चुअली बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ी से है. एक्चुअली क्या है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहे थे. बच्चों के स्कूल जो हैं खुल रहे हैं यहाँ से 13 मार्च से. तो उनकी जो उनका पहला इनटेक है, वो ताइवान से आए थे. तो फर्स्ट तो उनके पास यूनिफॉर्म वगैरह हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि कुछ भी सर्टन नहीं था कब स्कूल जो है ओपन होंगे, पता नहीं था. तो फाइनली एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर, नॉर्मल हो रहा है. तो खैर, एक्चुअली ये स्कूल यूनिफॉर्म्स की प्रमोशंस हैं, पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम अकेले आए तो बच्चे साथ में नहीं है. तो इस बेहतर कि वो आके ट्राई करें जूते का साइज़ जो भी है. देखिए, बैक टू कूल, बेसिकली बैक टू स्कूल और बैक टू कूल. तो सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शन जो है कम हो रही हैं, लाइफ जो है वैसी जो पहले थी वैसी हो रही है. मज़ा आ रहा है सुन के, 2 साल हो गए भाई. हालांकि बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन हर जगह पे रिस्ट्रिक्शंस. खैर, फाइनली मलेशिया ने देर आए तो रुस्त आए. तो क्योंकि मलेशिया में जो वैक्सीनेशन जो रेट है काफ़ी अच्छी है, इवन बूस्टर्स भी लोगों को लग चुके हैं, तो इसलिए अच्छा है. तो इसके बाद खैर बताऊँ मैं आपको कि यहाँ की यूनिफॉर्म ऐसी होती है. चाइनीज़ लोग नीचे जो है, ऊपर वाले मले जो है क्या बोलते हैं इसको, इस तरह का जो यूनिफॉर्म होती है स्कूल के लिए भी, आप जो है स्कार्फ जो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हिजाब भी कहते हैं शायद. हाँ, तो खैर इसके बाद अभी क्या करेंगे. बेसिकली हम आए थे सुपरमार्केट के लिए, क्योंकि हमने जो है ऑर्डरी का आज ऑफ डे था. तो हम जो है वो खाने की चीज़ें जो भी है लेके बेसिकली उसी के लिए आए थे. तो ये गुजरते हुए साथ में दिख गया, फिर आएँगे वापस. ये हैं हमारे नेपाली भाई. शॉपिंग मॉल्स में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तकरीबन नेपाल के, नेपाल से ही होते हैं. तो खैर, ये रहा हमारा सुपरमार्केट. यहाँ से हम अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें जो है लेते हैं. तो या ये एक्वाडो है, काफ़ी सेहतमंद होता है. ख़ास करके मैं इसको पसंद करता हूँ, मुझे ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई थी. इसको आप जो है इसकी स्किन को उतार के बर्फ़ डालिए, और थोड़ा सा आप शुगर डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं और मिल्क डाल के इसको शेक बना के पिए, बहुत स्वादिष्ट हो जाए. ये रहा आपका ड्रैगन फ्रूट.
अगर कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा है और उसको ज़रूरत है कि फुल डिटेल्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मलेशिया आने के लिए, तो वो मुझसे बिंदास पूछ सकता है। अभी जो न्यूज़ में जो है, क्योंकि न्यूज़ तो न्यूज़ ही होती है, उसमें डिटेल्स नहीं बताते हैं शो, उसमें कुछ SOP वगैरह होगी, तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे एक कॉमेंट में पूछ सकते हो बिंदास। घोष पेपर, बच्चों को ना आइसक्रीम पसंद है खाना खाने के बाद, तो ले चलते हैं एक। अभी 13 को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल चले जाना है, तो थोड़े से दिन है, चलो कर लो मोजा। तो हम अब के लिए ऑलमोस्ट कर चुके हैं जो ख़रीदना था, ऑलमोस्ट डन। मेरा काउंटर नंबर 12 है, वेट कर रहा हूँ अपनी पेमेंट के लिए। और उसके बाद जो है, एक पास में एक बेकरी की शॉप है, वहाँ से कुछ लेंगे, वहाँ से सामान, क्योंकि सुबह सुबह चाय के साथ कुछ ब्रेड हो तो मज़ा आ जाता है। तो खैर, अभी बात कर रहा, किसी ने भी कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि मैं क्या बताऊं डिटेल्स के बारे में, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स होगी, किसी को ज़रूरत होगी, तो मैं ज़रूर उसको बता सकता हूं, ठीक है। तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, ओके गाइस। तो ये बेकरी है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो एक तो आइटम्स लेंगे, ये ले लूँ या फिर ये ले लूँ या फिर जे। एक्चुअली मुझे ना क्रोजोन पसंद है, ये क्रोजोन मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा स्वीट नहीं होते। और गार्लिक ब्रेड, ये तो मैं अपने लिए लूँगा। और ली एन को ये पसंद है, ये उसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम जो शॉपिंग करना चाह रहे थे, जो घर के एक हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए ज़रूरत का सामान था, हमने ले लिया है। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को धीरे धीरे जो है यहीं पर समाप्त करेंगे। देखेंगे आपको, मिलेंगे आपसे, सुनेंगे और सुनाएंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।